Hello student, for class 11, poetry ki the last poem hai, Palanquin Bearer, Pal ki le jane wale. Palanquin. सरोजनी नायडू के द्वारा लिखी हुई है पोएम प्लैंकिन बियरर, पाल की ले जाने वाले. पाल की अब नहीं चलती है, पहले विदाई के समय शादी के बाद दुल्हन पालकी में बैठ के जाती थी, उसी पालकी का यहाँ पर जिक्र है. द थीम ऑफ द पोएम, पहले इसको थीम पढ़ लीजिए तो आप. द थीम ऑफ द पोएम इज टू रिफ्लेक्ट अबाउट द इंडियन मैरिज. इसका पोएम का सारांश इस प्रकार है कि ये भारतीय शादी के बारे में प्रकाश डाल रही है अपन का, एंड देयर कल्चर और उनके रीति रिवाज के बारे में. भारत में शादियाँ कैसे होती हैं, उनका रीति रिवाज क्या है. इट इज ए पोएम बेस्ड ऑन द रॉयल ब्रिड. यह एक शाही दुल्हन के आधार पर कविता लिखी गई है. इज ऑन हर वे टू हर हस्बैंड्स हाउस ऑन ए प्लैंकिन, जो कि पालकी में अपने पति के घर जा रही है. यह कविता एक दुल्हन को आधार मानकर लिखी गई है जो अपने पति के घर जा रही है. शी हैज लिटिल फीलिंग अबाउट एवरीथिंग. वह बहुत कुछ सोच रही है, मिक्स्ड फीलिंग माने बहुत कुछ अनुभव कर रही है. द बियरर्स डू नॉट फील द बर्डन ऑफ द ब्रिज. जो पालकी ले जाने वाले हैं ये दुल्हन का भार अनुभव नहीं करते हैं क्या. एंड थिंक दैट सी इज वेरी सॉफ्ट टेंडर एंड डेलिकेट. और वो ये सोचते हैं कि वह बहुत ही नाजुक है, बहुत ही हल्की है. यानी जो पालकी ले जाने वाले हैं वो अपने को बोझ नहीं मानते हैं कि हम किसी को लादे हुए हैं, बल्कि वो दुल्हन को एक नाजुक और बहुत हल्का महसूस करते हैं. दे फील नो प्लेजर ओवर वे फील नो प्रेशर ओवर. उसका उन पर कोई दबाव नहीं है, मतलब बोझ नहीं समझ रहे हैं कि वो हमें ज़बरदस्ती ले जाना पड़ रहा है या फिर हमें बहुत बोझ लग रहा है. प्रेशर नहीं है, मतलब ज़बरदस्ती नहीं है. द पोएम प्रेजेंट्स अ ब्यूटीफुल कंपाइलेशन ऑफ वेरियस सिमिलीज. यह कविता में ये कई प्रकार की उपमाओं का एक सुंदर कंपाइलेशन है, माने गठजोड़ है, मिलावट है, मिश्रण है. इट प्रोवाइड्स ए वेरी डेलिकेट इमेज ऑफ द रॉयल ब्रिज. यह बहुत ही नाजुक तस्वीर प्रस्तुत करती है यह कविता दुल्हन की, इन द माइंड ऑफ द रीडर्स. जो पाठक हैं यानी जो पढ़ रहे हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट, स्टूडेंटों के मन में दुल्हन की एक बहुत नाजुक तस्वीर उभरती है. द पोएम इज रिटन इन सच अ वे. कविता इस तरीके से लिखी गई है दैट वन कैन सी, कि कोई भी देख सकता है इसको, एंड फील और अनुभव कर सकता है. यानी ऐसे लिखी गई है जैसे स्टूडेंट देख रहा हो और अनुभव कर रहा हो. एज इफ द प्लैंकिन इज मूविंग, जैसे कि पालकी खुद ही चल रही है. यानी वो जो पढ़ रहा होता है कविता को तो ऐसा लगता है कि स्वयं वो पालकी को चलते हुए देख रहा है. द पोएट ब्रिंग्स नो एज सो मैनी इमेज. यह कवि
इतनी अपने मन में इतनी तस्वीरें खींचता है डिस्क्राइबिंग द मोमेंट चलते हुए उस तस्वीर पर, बल्कि वो द वर्ड्स सी हैज यूज्ड सीम टू हैव ए मैजिक टच, जैसे कि उसके लिए जो शब्द प्रस्तुत किए गए हैं दुल्हन के लिए बिल्कुल एक जादुई तरीके से टच करते हैं, यानी बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल रियल है। देखिए पोएम किस प्रकार की है। लाइटली ओ लाइटली वी बियर हर लॉन्ग, वो कवियत्री जो पालकी ले जाने वाले हैं उनसे पूछ रही है कि तुम इसे कैसे ले जाते हो, तो पालकी ले जाने वाले उत्तर दे रहे हैं और गीत गाते हुए जा रहे हैं, कहते हैं लाइटली ओ लाइटली वी बियर हर लॉन्ग, हल्के हल्के हम इसको ले जाते हैं। सी वेज लाइक ए फ्लावर इन द विंड ऑफ अवर सॉन्ग, वह हमारे गीत में फूलों की तरह हिल रही है। पालकी को ले जाते हुए पालकी हिलती है, वो कह रहे हैं हमारे गीतों की लय में वह हिल रही है। सी स्किम्स लाइक ए बर्ड ऑन द फॉर्म ऑफ ए स्ट्रीम, जैसे नदी के झाग में, झाग फॉर्म माने झाग, नदी का झाग नदी में इधर उधर हिल रहा होता है, उसी प्रकार ये चिड़िया की तरह पालकी भी खुदक खुदक के चल रही है। कहने का मतलब जब कदम आगे बढ़ाते हैं पालकी वाले तो थोड़ी ऊपर नीचे झटका में लगता है, इस प्रकार से वो स्किप माना गया है, स्किप माना होता है उछलना, उछल उछल के चल रही है। सी फ्लोट्स लाइक ए लाफ, लाफ हंसी की तरह चल रही है, फ्रॉम द लिप्स ऑफ ए ड्रीम, सपनों के होठों से जो हंसी निकल रही है उसकी तरीके से ये पालकी चलती है। गैली ओ गैली वी ग्लाइड एंड विशिंग, खुशी से हम इसको गाते हुए, ग्लाइड माने हवा में चलना तैरना, हम गीत गाते हुए जैसे हवा में तैरते हुए खुशी से ले जाते हैं। वी बियर हर अलॉन्ग लाइक ए पर्ल ऑन अ स्ट्रिंग, हम इसको ऐसे ले जा रहे हैं जैसे धागे में कोई मोती पिरोया हुआ हो, क्योंकि पालकी बांस में बीच में लटकी होती है तो ऐसा लगता है कि बांस में कोई हुई है। ऐसे ही कभी कह रहा है कि ऐसे जैसे कि धागे में कोई मोती पुरोया हुआ हो, तो धागे में पुरोए हुए मोती के समान हम इसको ले जाते हैं। सॉफ्टली ओ सॉफ्टली वी बियर हर अलॉन्ग, और इस प्रकार से हम इसे बहुत हल्के हल्के सॉफ्टली मुलायम मुलायम धीमे धीमे हम इसको ले जाते हैं। धीमे धीमे का मतलब यह है कि कहीं उसको चोट ना आ जाए, कहीं जो रहन इधर उधर हिल ना जाए, इसलिए सॉफ्टली। सी हैंग लाइक ए स्टार इन द ट्यूब ऑफ अवर सॉन्ग, वह हमारे गीत के कणों में तारे की तरह लटकी हुई है, जिस तरीके से आकाश में तारे लटके हुए हैं उसी तरीके से कभी वो पालकी ले जाने वाले कहते हैं ये हमारे गीतों में उसकी बूंदों की तरह लटकी हुई है। ड्यू सी स्प्रिंग्स लाइक ए बीम ऑन द ग्रो ऑफ द टाइड, जैसे ज्वार भाटा जब समुद्र में आता है टाइड तो आगे बढ़ता है लहरों के साथ, इसी तरीके से पालकी भी ज्वार भाटा की तरह आगे बढ़ती है। सी फॉल्स लाइक ए टियर फ्रॉम द आई ऑफ ए ब्रिट, और फॉल्स माने गिरती है अर्थात नीचे रखती है, नीचे कैसे उतरती है पालकी, जैसे दुल्हन की आंखों से आंसू नीचे गिरते हैं इसी तरीके से वह नीचे गिरती है। लाइटली वो लाइटली बी ग्लाइड एंड बी सिंग, इस प्रकार धीमे हम इसको ले जाते हैं और हम गाते हैं। वी बियर हर अलॉन्ग लाइक ए पर्ल ऑन ए स्ट्रिंग, और हम इसे ले जाते हैं जैसे धागे में पुरोया हुआ मोती हो, इस तरीके से। तो ये पोएम पालकी के ऊपर लिखी गई थी, एक बार फिर से देखिए, फिर से शुरू से लिखी। लाइटली वो लाइटली वी बियर हर अलॉन्ग, धीमे धीमे हम इसको ले जाते हैं।
सॉन्ग वह हमारे गीतों में गुरों की तरह हिलते हुए चलती है। शी स्किप्स लाइक ए वर्ड ऑन द फॉर्म ऑफ ए स्ट्रीम, वह नदी की धारा भाग में जिस तरीके से पक्षी आकर के ऊपर ऊपर के बैठता है उसी तरीके से यदि हमारे मांस में उनकी मिट्टी हुई है। शी फ्लोट्स लाइक ए लाफ फ्रॉम द लिप्स ऑफ ए ड्रीम, वह सपनों में होठों से निकलने वाली हंसी की तरह चलती है। गैली और गैली वी ग्लाइड एंड वी सिंग, बड़ी खुशी के साथ धीमे धीमे हम इसको गाते हुए ले जाते हैं। वी बियर हर अलोंग लाइक ए पर्ल ऑन ए स्ट्रिंग, हम ऐसे ले जाते हैं जैसे धागे में बीच में मोती को रोया हुआ हो। सॉफ्टली और सॉफ्टली वी बियर हर अलोंग, धीमे धीमे हल्के हल्के हम इसको ले जाते हैं। सी हैंग्स लाइक ए स्टार इन द किंग ऑफ अवर सॉन्ग, वह हमारे गीतों में उसकी गुणों की तरह लटकी हुई है तारों के समान। सी स्प्रिंग्स लाइक ए बीम ऑन द ब्रो ऑफ द टाइड, और वह ज्वार भाटे की तरह बढ़ती है। सी फॉल्स लाइक ए स्टार फ्रॉम द आइस ऑफ द ब्रिज, नीचे दुल्हन के आंसुओं की तरह वह नीचे उतरती है। लाइटली और लाइटली वी ग्लाइड एंड वी सिंग, और हम गाते हुए हल्के हल्के इसको ले जाते हैं। वी बियर हर अलोंग लाइक ए पर्ल ऑन द स्ट्रिंग, और धागे में पिरोए हुए मोती की तरह इसको आगे बढ़ाते हैं ले जाते हैं। ये इसका हिंदी सारांश हो गया। अब इसका सेंट्रल आइडिया भी मैं लिखवा देता हूँ, आप लोग नोट करिए। सेंट्रल आइडिया वो है सेंट्रल आइडिया, आप लोग नोटबुक निकाल लीजिए और लिखिए।
सी बाल लाइक इट, सी बाल जय हिंद।